बहनें काफी अलग हो सकती हैं, पर इस सब के बावजूद भी वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये आज खास दिन है, आखिरकार हम वेकेशन पर जा रहे हैं। मेरे कपड़े पैक हो गए हैं, मैंने अपने सारे पैसे संभाल कर रख दिए हैं। चलो चलें, बीच इंतजार कर रहा है। मेलिसा पहले ही अपनी बहन के घर जा रही है। जल्दी खोलो, कौन है? ओह, मेरी प्यारी पिंक बहन, चलो अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हाँ हाँ, बहुत इमोशनल, तुम क्या उम्मीद कर रही थी? मुझे बीच पर आना पसंद है, धूप में मजे से लेटना कितना अच्छा लगता है, ये मेरा सपना है। पर बीच पर कुछ एक्टिव लोग भी हैं। देख कर चला करो लड़के, इतना गुस्सा मत करो जूलिया, चलो कुछ खाते हैं। देखो मेरे पास क्या है। ओह नहीं, अब फ्रूट्स भी मिट्टी से भर गए हैं। कोई बात नहीं, मेलिसा गुस्से में नहीं है। हे, मैं उसे पकड़ के उसे मैनर सिखा सकती हूँ। परेशान मत हो जूलिया, नींबू पानी लोगी? अरे यार बहुत हुआ, अब तो हद ही हो गई। तुम रुको लड़के, कहा था ना मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, मेरे साथ आओ। उसे ज्यादा मत मारना बहन, पर जूलिया का कुछ और ही प्लान है। वो बस उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती है। अब तुम्हें समझ आया कि मिट्टी में कैसे चलते हैं? चलो चले जूलिया, हमने अच्छा मजा चकाया। हे, मुझे यहाँ कितनी देर रहना होगा? ओ नहीं, क्रैब नहीं, बचाओ। मेलिसा एक बड़ी सी छलांग लगाने वाली है। फ्यू, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो कूदती हूँ। देखो मैं यहाँ हूँ जूलिया, मैंने कर दिखाया। ओ हाँ, मैं यहाँ हूँ बहन। मेलिसा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, अपने राइट में देखो। हाँ, स्विमसूट का टॉप बह गया, अब मैं पानी से बाहर कैसे आऊँ? पर जूलिया अपनी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। एक सेकंड रुको, पर गायब हुए टॉप को ढूंढना आसान नहीं है। क्या वो सच में बहकर दूर चला गया? पर एक आइडिया है। मेलिसा, देखो मुझे कुछ शेल्स मिले, ये स्विम सूट के लिए कैसे रहेंगे? ये अच्छे लग रहे हैं, इको फ्रेंडली बीच फैशन। जूलिया, तुम काफी समझदार हो, मैं एक छोटी सी मर्मेड जैसा फील कर रही हूँ। ये अब से मेरा फेवरेट स्विम सूट है। लोकल कैफे में ड्रिंक पीने का समय है, इतना समय क्यों लग गया? चलो जूलिया, तुम हमेशा किसी न किसी चीज के लिए शिकायत करती रहती हो। लेडीज, आपका ऑर्डर। काफी स्वादिष्ट है। बारटेंडर, तुम जादूगर हो। हाँ तुम हो, क्योंकि इसे पीना नामुमकिन है। ये काफी मीठा और क्यूट सा है, अब ये तो बेइज्जती है। मुझे इस अकड़ू क्लाइंट को याद रखना होगा। उदास मत हो बहन, मेलिसा को पता है जूलिया को क्या पसंद आएगा। चलो कुछ करें, डार्क चॉकलेट इस क्यूट सी ड्रिंक को बदल देगी। अब फोम बनाते हैं और सजाते हैं, इसे और डार्क करो, जूलिया को पसंद है। देखो मैंने क्या बनाया बहन, ये काफी अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बढ़िया है। मैं अपने ड्रिंक में थोड़ा और पिंक डालती हूँ। हे वेटर, देखा असली ड्रिंक कैसे बनाते हैं? उसके दांत को क्या हुआ? उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि उसे मेरी ड्रिंक पसंद नहीं आई थी ना। अब बीच फोटोशूट का समय है, चलो स्माइल करो मेलिसा, बढ़िया चल रहा था जब तक वो लड़का बीच में नहीं आया। बू, तुम्हें गाय की तरह लग रही हो, एप्पल खाना चाहोगी? बू, ओह कितना रूठ था। गहरी सांस लो जूलिया, कोई बात नहीं, तुम उससे बदला तो नहीं लेने वाली ना? उप्स, एक गिर गया। हे जूलिया, तुम कहाँ हो? हाँ, बुरा लड़का चेंजिंग रूम में गया, मेरा स्विम सूट पसंद नहीं आया था ना। चलो देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है। बुरे लड़के पिंक स्विम सूट पहनते हैं, अब वो उसके कपड़े उठा लेगी और तमाशे के मजे लेगी। ओह नहीं, स्विम सूट, मेरे कपड़े कहाँ गए? उम्मीद करता हूँ कि कोई जान पहचान वाला मुझे ना देख ले। चलो चलो भागो भागो फैशन बेबी। ओह मेलिसा, तुमने मुझे डरा ही दिया था, क्या ये तुमने किया? बोलो। नहीं, मेरा से कोई लेना देना नहीं है, किसे पता था कि ये लड़का पिंक स्विम सूट में इतना अच्छा लगेगा। मेलिसा, वॉलीबॉल खेलना चाहोगी? स्पोर्ट्स नहीं, मैंने अभी मैनीक्योर करवाया है, चलो खेलते हैं। ओह मेरी बहन के लिए कुछ भी, देखो ये आसान है, मैं बॉल फेंकती हूँ, तुम इसे हिट करना। ठीक है,
अब अपनी साइड जाओ। मैं तैयार हूँ, शुरू करो। बॉल भी खेलने को तैयार है। एक कांटों वाली बॉल, मुझे ब्रेक चाहिए। हमें थोड़े और इक्विपमेंट्स की जरूरत है। ये गेम मुश्किल होगी। जब आप जूले के साथ खेल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तुम आप देख सकती हो। अब चलो, मैं बस मजाक कर रही थी। घबराओ मत, हम नॉर्मल बॉल के साथ ही खेलेंगे। मेरे ख्याल से इस बार सब सही होगा। महंगे होटल्स में बुफे में हमेशा बढ़िया खाना होता है। जितना चाहो उतना खाना ले लो, ये बिल्कुल फ्री है। बढ़िया। मेलिसा, मुझे भूख लगी है, हमें वहाँ जाना होगा। हम नहीं जा सकते जूलिया, पर उसके बहन को कौन रोक सकता है। चलो भी, हम बस थोड़े से स्नैक्स ही खाएंगे। हाँ, यह सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। तब समझी, चलो। ये काम नहीं करने वाला। देखो, सबके पास ब्रेसलेट्स हैं। चिंता मत करो जूलिया, हमें ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे। हम बलून से बना लेंगे, ये काम करेगा। हेलो सभी को, क्या समुद्र के नीचे पानी है? पर बातें करने का समय नहीं है, हमें सारा खाना ट्राई करना होगा। इन दोनों पर शक हो रहा है। इस होटल में इतनी ज्यादा भूख किसी को नहीं लगती। रिसेप्शनिस्ट अब हर चीज पर ध्यान देगी। लड़कियों, क्या तुम पक्का सही होटल में हो? अरे हाँ, ये हमारा बुफे नहीं है। हम जाएं, किसी भी स्कैम का सबसे जरूरी पार्ट है कि टाइम से निकल जाओ। अरे यार, मुझे डिजर्ट भी ट्राई करने को नहीं मिला। मेरे पास है बहन, देखो। लगता है जूलिया ने दूर की सोची। अच्छे से खाओ। मेलिसा को शांति पसंद है, लहरों पर तैरते तैरते धूप सेकना। पर आज वो असली मुश्किल में फंस गई। उसे यहाँ से निकलना होगा। वो अब और मजे नहीं कर पा रही, पर वहाँ से निकल जाना भी काम नहीं करेगा। क्या तुम स्विमिंग नहीं करना चाहती? आप मेलिसा को अकेले नहीं छोड़ सकती, उसे अपने आप को संभालना नहीं आता। कोई फिर से मेरी बहन को परेशान कर रहा है, मुझे देखना होगा कि वो ठीक तो है ना। एक आइडिया है, रो मत मेलिसा। ये लो तुम्हारे लिए नया स्विमिंग रिंग। आउच, लग रहा है यही तो आइडिया है। अब कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। जाओ शांति से स्विमिंग करो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जूलिया, कितनी बढ़िया रिंग है। किसे फर्क पड़ता है कि ये कैसा दिखता है, सुरक्षा जरूरी है। अब कोई परेशान नहीं करेगा। हम मजे से शहर घूमने जा रहे हैं। इस फाउंटेन को तो देखो, कितना सुंदर है। बैठना चाहोगी? रुको, यह गीला है। चलो फिर चलते हैं। हे, कुछ पिक्चर्स तो ले लेते हैं। मैं नहीं लेने वाली। जूलिया को रोकना मुश्किल है। ठीक है, मैं गुड लक के लिए कॉइन फेंकूंगी। मैं यहाँ दोबारा वापस आना चाहती हूँ। ठीक है, अब चलना चाहिए। तुम कहाँ हो जूलिया? पर जूलिया के पास और भी काम है। फाउंटेन में पैसे फेंकना बेवकूफी है। इन पैसे से आइसक्रीम आ सकती है। मेलिसा को इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। ये लो बहन, मैं ले आई। अकेले स्विमिंग करना बोरिंग है। मैं यहाँ हूँ जूलिया, चलो तैरते हैं। नहीं सिस, मैं बस आज ट्रेनिंग लेने वाली हूँ। ओह प्लीज, मेरे लिए। इतनी प्यारी सी बहन को कौन मना कर सकता है। मैं अभी आती हूँ। मैं यहाँ हूँ जूलिया, मैट्रेस को पकड़ो। पर वो कुछ भूल गयी, वो अपने ब्रेसलेट को उतारना भूल गई। मैट्रेस अब ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। उफ, मेलिसा, मुझे अब बाहर जाना होगा। पर एक प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी नहीं तैर सकती। कोई मदद करो। ओह, मैं उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे मेलिसा को बचाना होगा। हे बहन, तुम कहाँ हो? शुक्रिया जूलिया, तुम सबसे अच्छी बहन हो। अच्छा है कि मेलिसा को पता नहीं कि मैट्रेस खराब किसने की थी। बदकिस्मती से ये सुंदर सा दिन खत्म हो गया। बाय जूलिया, गले नहीं मिलना ठीक है, पर मेरे साथ किस किए बिना नहीं जा सकती। तो कम से कम ये वीकेंड बुरा नहीं था। हम असली बहनों की तरह अच्छे से साथ में रहे। काश हम ज्यादा से ज्यादा साथ में समय बिता सकते। लगता है जूलिया सच में इमोशनल हो रही है। ओह, मेलिसा ये भूल गई। वो अपना फेवरेट बैकपैक कैसे भूल सकती है? रुको बहन, भागना पड़ेगा। मेलिसा रुको। ओह जूलिया, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा फर्ज था। बाय, शायद से गुड बाय हग इतना भी बुरा नहीं है।
क्या आपको हमारी अच्छी और बुरी बहन की कहानी पसंद आई? आप अपनी बहन के साथ कैसे समय बिताते हैं हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। ट्रम ट्रम पर गर्मियों और छुट्टियों के और स्केचेस मिस न करें।